The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's start. Dosto, question is ki summer mein, dhoop ke mausam mein, aisi kya saavdhani aap logo ko baratni hai apne heart ke liye? Dekhiye, आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि समर में क्या बदल जाता है। समर में बदल जाता है बाहर का टेम्परेचर और बदल जाता है आपके अंदर पानी और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस। जी हाँ, बाहर का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो अंदर बॉडी अपना टेम्परेचर, जो बॉडी का बाहर से आने वाला टेम्परेचर जो हीट एब्जॉर्ब करती है वो बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ दैट, हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से बॉडी के अंदर जो कोर टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए बॉडी ज़्यादा काम करती है। क्या काम करती है? ठंडा करने के लिए काम कर, जी हाँ, ठंडा करने, बॉडी को ठंडा करने के लिए भी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी को पानी, ज़्यादा पानी आपके स्किन पे भेजना पड़ता है और पानी से आपके स्वेट, ज़्यादा स्वेट निकलता है, ज़्यादा स्वेट निकलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत आसान और छोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दो प्रकार के मेन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी में जो होते, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं। सो मेन जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ मैटर करते हैं वो सोडियम और पोटेशियम। सोडियम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो आपके ब्रेन में इशू आ जाएगा, बॉडी में सूजन आ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा अगर सोडियम, हाइपरनेट्रीमिया, तो आपकी बॉडी के अंदर पानी वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, हाइपर वॉल्यूम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो पानी पानी छोड़ देगी, पानी में नीचे सूजन आ जाएगा, ब्रेन डिहाइड्रेट हो जाएगा, दिक्कत हो जाती है। वैसे ही पोटेशियम इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम का क्या लेना देना? पोटेशियम जब आपके शरीर में ज़्यादा या कम हो जाए तो ये पोटेशियम आपके सेल्स के अंदर बाहर होके बॉडी के हार्ट के अंदर को जो रिदम है, हार्ट के अंदर रिदम कंट्रोलिंग करता है। तो अगर रिदम में पोटेशियम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट के कंडक्शन में, नर्व कंडक्शन में, बॉडी के नर्व कंडक्शन में, हार्ट के नर्व कंडक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है, अरिथमियाज हो सकते हैं। इसीलिए कई हार्ट पेशेंट्स के इस सीज़न में धड़कन में प्रॉब्लम लेके वो सीधा हॉस्पिटल आते हैं, चक्कर लेके आते हैं। चक्कर क्यों आएगा? व्हेन देयर इज़ अ रिदम प्रॉब्लम, रिदम प्रॉब्लम होगा तो हार्ट जब जो नॉर्मल बीट कर रहा है उस नॉर्मल बीट की जगह कुछ भी बीटिंग होगी तो आगे ब्लड फ्लो होना कम हो सकता है। इन दैट केस चक्कर आ जाएगा, बिकॉज दिमाग को ब्लड नहीं जाएगा तो फट से आपको चक्कर आएगा। तो चक्कर आ रहा है, हार्ट बीट इरेगुलर है, डेंजरस, इट्स अ डेंजरस थिंग। प्लस इसमें क्या है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु ऑलरेडी हैव अ हार्ट प्रॉब्लम। अगर आपको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट फैला हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है, कोई दवा चल रही है, किसी को रिस्क बताया हुआ है, कोई बहुत ओल्ड एज है, राइट, किसी को इवन दिमाग में स्ट्रोक हुआ पड़ा है, तो ऐसे पेशेंट्स में कहीं ना कहीं हार्ट में वल्नरेबिलिटी होती है, यानी आपका रिदम प्रॉब्लम, एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फ्लटर, ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो रिदम प्रॉब्लम, नॉर्मल हार्ट ऐसे ऐसे धड़कता है, उस केस में हार्ट जो है धड़कने की जगह ऐसे 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 फ्लटर, फड़फड़ाता है, ये चीज़ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से बढ़ जाती है। ना ऐसा नहीं कह रहा है बिना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के नहीं हो सकता, हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, हार्ट में अटैक से हो सकता है, हार्ट फेलियर से हो सकता है, बिना किसी कारण के हो सकता है, स्ट्रेस से हो सकता है, टैकीकार्डिया से हो सकता है, टैकीकार्डिया क्या है, हार्ट रेट बढ़ जाना। सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक रीज़न है जिसके वजह से हार्ट पेशेंट्स को बहुत बहुत बचना पड़ता है समर के टाइम पे, क्योंकि समर के टाइम पे यू आर लूजिंग नॉट जस्ट वाटर बट सॉल्ट्स फ्रॉम योर स्वेट एज वेल एज ब्रीदिंग। समर के टाइम पे आपकी ब्रीदिंग भी हैवी हो जाती है, तो ब्रीदिंग में भी आप ज़्यादा पानी लूज करते हैं। सो ये एक चीज़ आपको समर में ध्यान रखनी है कि ना सिर्फ आपको पानी पीना है बल्कि थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स भी पीना है। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप थोड़ा बहुत नारियल पानी ले सकते हो, जिनको पानी रिस्ट्रिक्ट किया गया है उनको ध्यान देना है, क्योंकि नारियल पानी इज़ रिच इन पोटेशियम, सो पोटेशियम लूज़ हो रहा है। जो लोग फल फ्रूट नहीं खाते वो लोग भी इस चीज़ को, नारियल पानी ले सकते हैं, फल फ्रूट में पोटेशियम होता है, जूसेस में पोटेशियम होता है, पोटेशियम ज़्यादा ना हो जाए वो इशू, पोटेशियम कम ना हो जाए वो इशू,
हार्ट पेशेंट्स जो डायूरेटिक यूरिन वाले दवा ले रहे हैं, डायूरेटिक्स पेशाब ज़्यादा आने वाली, सो दो तीन प्रकार के डायूरेटिक होते हैं। नॉर्मली जो डायूरेटिक्स दिए जाते हैं जो लूप डायूरेटिक्स या दूसरे थायजाइड डायूरेटिक्स, वो पोटेशियम निकालते हैं यूरिन से, तो पोटेशियम निकल जाएगा, पोटेशियम कम हो जाएगा, तो आपको पोटेशियम ज़्यादा लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? फ्रूट से, जूसेस से, नारियल पानी से, और रेगुलर चेक करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल। नाउ ये इतना जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट, और गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किसमें होगा किसमें नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। व्हाट यू नीड इज टेस्टिंग, क्या? इलेक्ट्रोलाइट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। आप किडनी फंक्शन करा के देख सकते हो, किडनी फंक्शन से इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ा सा पता चलता है। और इलेक्ट्रोलाइट के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। जब भी आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, जैसे पानी की कमी, डिहाइड्रेशन इज अ मेजर कंसर्न, राइट? अगेन, जैसे ही पसीना आता है, पानी भी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस तो है, साथ में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होता है, पानी कम होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो एक बीट में, एक बार में जितना ml ब्लड बाहर जा रहा था, खून शरीर को जा रहा था, उससे कम जाएगा, कम जाएगा तो हार्ट आपको सिग्नल मिलेगा बॉडी से, मेरे पास खून नहीं आ रहा, अरे मेरे पास नहीं मिला, मेरे को खाना नहीं मिला, तो हार्ट विल स्टार्ट पंपिंग फास्ट। आपका बॉडी पहला रिस्पॉन्स ये करती है, हार्ट रेट बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, हार्ट रेट बढ़ाती है और खून की नलियां जो जा रही हैं उसको सिकुड़ती हैं कि खून और प्रेशर से जाए और वहां जाए जहां नहीं पहुंच रहा, राइट? सो इट्स लाइक अ ह्यूज कम्युनिटी, इट्स अ कंट्री इनसाइड योर बॉडी, पूरी पूरा कंट्री है यहाँ से देश, और एवरी ना इसकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड, सो योर रिस्पॉन्स इज इमीजिएट, इमीजिएट हार्ट रेट बढ़ता है, इमीजिएट ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इमीजिएट आपके हार्ट पे स्ट्रेस आता है। इफ, अगर, किंतु, परंतु, अगर आपके हार्ट में ऑलरेडी दिक्कत है, अगर आपका हार्ट ऑलरेडी वीक है, कमजोर है, हार्ट पहले से मान लो 10% है, 20%, 25%, 30% काम कर रहा है, तो ऐसे हार्ट पे दिक्कत आ सकती है, हार्ट रेट बढ़ने का। आपका जो दवा है उसका कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल गड़बड़ा सकता है, हार्ट रेट कंट्रोल गड़बड़ा सकता है, मेडिकेशन बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर तरीका है अगर आप पानी को समझ लें, पानी को रिप्लेस कर लें। धूप में जाने वाले हैं तो आपको अपने आप को प्री हाइड्रेट करें, रीहाइड्रेट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने इस पानी की मात्रा को समझना। गर्मी के मौसम में आमतौर पर अगर आप बाहर आधा घंटा भी बिता रहे हैं, एक घंटा भी बिता रहे हैं, तो आपको एक आधे से एक लीटर से अपना पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और पानी की मात्रा में कम से कम एक बार आप इलेक्ट्रोलाइट रिच वाला पानी लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट रिच, कम से कम दिन में एक बार। कायदे से हर दो घंटे में एक गिलास पानी पीना चाहिए नॉर्मल इंसान को। लेकिन अगर हार्ट फेलियर है तो आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल रखा है कि एक लीटर ही पानी लो या सवा लीटर ही पानी लो, तो उस एक लीटर सवा लीटर में इलेक्ट्रोलाइट्स होना जरूरी है, ये ध्यान में रखना है, राइट? फ्रूट्स अच्छे हैं, जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो भी अपने इलेक्ट्रोलाइट का ख्याल रखे। इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप खूब भरपूर नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल पानी के अलावा फ्रूट जूसेस पी सकते हैं। शुगर का ध्यान रखें कि आर्टिफिशियल फ्रूट्स जूसेस में शुगर एडिड ना हो, आर्टिफिशियल शुगर्स में अभी ऐसी कोई मेजर चीज़ नहीं है, राइट? सैचरीन जो इसमें प्रॉब्लम था वो बंद हो चुका है, अब जो आता है सुक्रालोस एंड ऑल वो सेफ है, ले सकते हैं एक लिमिट में, राइट? सो वो अलग टॉपिक है, बट देन द पॉट इज यो। सो देन हार्ट के लिए और क्या प्रोटेक्शन है? बीपी रेगुलर मॉनिटर करना है, हार्ट रेट रेगुलर मॉनिटर करना है, पल्स रेट मॉनिटर करनी बहुत ज़रूरी है। पल्स रेट मॉनिटर करने के लिए आप हमारी गोकी की वॉच ले सकते हैं, इसमें आपको आपके स्टेप्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट सारी कुछ मॉनिटरिंग हो जाएगी। इससे मॉनिटर करिए, इससे आप देख सकते हैं कि इससे आपका कितना कितना बजा है, टाइम भी पता चलता है। सो These things are important for a patient who has a heart problem to monitor his pulse, his blood pressure, his fluid intake, urine output. Urine agar yellow aane lag gaya, so there is a problem, right? Yellow urine, you are not taking enough water, right? So इन सब बातों का ध्यान रखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्मी के मौसम में डॉक्टर को विजिट करो, अपने डॉक्टर को विजिट करो, टॉक अबाउट योर सर्कमस्टांसेस, अपने अपने कि मुझे धूप में जाना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, मुझे पसीना ज्यादा आता है, मुझे लग रहा है मुझे ये कमी, मुझे ये सिम्टम है। सो योर डॉक्टर शुड थिंक, आपके डॉक्टर को सोचना चाहिए कि ओके, ये सारी चीज़ें प्ले कर रही है यहाँ पे, सो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू शुड डू टू प्रोटेक्ट योर हार्ट इन समर। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या कोई नहीं भी हैं तो भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, डिहाइड्रेशन और नॉर्मल मात्रा में ये सब चीज़ें, हार्ट रेट, बीपी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। पालपिटेशन बहुत कॉमन है, हेडेक बहुत कॉमन है, लोगों को डर बहुत जल्दी लग जाता है, अरे मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, मेरा पालपिटेशन तो नहीं हो रहा। सो अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड देर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन को पहले काउंटर करना है, फिर सोचना है कि ओके,
there might be a problem. Testing is important. Testing will be done by a cardiologist. So remember, don't worry, be happy. कोई टेंशन नहीं लेनी है और सबने सवाल पूछने हैं, नीचे सवाल लिखे, हम आपका जवाब देंगे.